और यकीनन पूरी दुनिया के अंदर ये जो वॉर हो रही है जिसमें बेगुनाह बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान मारे जा रहे हैं, तो हर एक के दिल में दर्द है, तकलीफ है, लोग जज्बाती हुए हैं। उसी तरह से बच्चियां चाहती थी कि एक रैली की जाए, बड़े ग्राउंड पे मजमा किया जाए। तो मैंने उसके रिपरकेशंस उनको बताए कि इस तरह की रैलीज और मजमे में कभी कभी एंटी सोशल एलिमेंट अंदर घुस जाते हैं और वो जो एक पीसफुल रैली होती है उसको एक अनपीसफुल रंग उसको दे देती है। बच्चियां समझी और आज उन्होंने यहाँ पे बेहतरीन, उन्होंने अपना जज्बातों को जो है यहाँ पे पेश किया और जो हालात है उसको पेश किया और फलस्तीन के लोगों के लिए और दुनिया की तमाम उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए यहाँ पे दुआ का इंतज़ाम किया गया और वह यहाँ दुआ भी मुकम्मल हुई। ये पूरी लड़ाई दुनिया में जो है वो कमर्शियल है। आज दुनिया में वॉर करना बोले तो सब में बड़ा बिजनेस है, अपने वेपन्स बेचना। हिंदुस्तान ने इसराइल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पिछले 5-7 साल में वेपन्स खरीदे, फ्रांस ने इसराइल से खरीदे, अमेरिका पूरी दुनिया में अपने वेपन्स बेचता है। तो वेपन्स कब बिकते हैं? जब दुनिया में लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो वेपन्स बेचना दुनिया में सब में बड़ा बिजनेस है। ऑयल इकोनॉमी को कंट्रोल करना ये दुनिया में सब में बड़ी बिजनेस है और उसी के साथ में दुनिया में सब में बड़ी आबादी वाला जो मुल्क है वो तो पूरी दुनिया का कैपिटलिस्ट लोगों का और मुल्कों का, उस मुल्क के ऊपर उनकी नज़र है कि ये किसी भी हालात से ये मुल्क हमारे कंट्रोल में रहे, सियासी मैदान मेयार पे, सोशियो इकोनॉमिकल मेयार पे। तो वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान के संबंध, चाहे सरकार कोई भी होने दो, मगर हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्ट के साथ में वो बहुत ही भाईचारगी का है। और आज ज़रूरत है फलस्तीनियों के लोगों को उसी रब्बुल आलमीन से दुआ मांगने की। और ये जो इजरायली कंपनीज हैं इनको अगर हम बायकॉट करते हैं, इनके प्रोडक्ट को बायकॉट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिकल सेटबैक इसराइलियों को मिलेगा और वेस्टर्न कंट्रीज जो इसराइली का इस वॉर में साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। मैं खास तौर पे ये कहूँगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे पिछले 10-12 साल में, मीरा भाईंदर की अगर खाली एक मिसाल दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% बच्चे आज तालीम पा रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हायर एजुकेशन में है। और जो 0.% जो बच्चे जो नहीं तालीम ले रहे हैं, वो जो हर वक्त, हर 2-4-6 महीने में जो बच्चे माइग्रेट होके आते हैं बंगाल से, बिहार से, यूपी से, जो न्यू फैमिलीज आती है जिनके वालिद वगैरह यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, भाजी तरकारी या फ्रूट बेचते हैं, उनके बच्चे होंगे, मगर वो भी 6-8 महीने में, साल भर में हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको भी इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, उनको मदद करे और स्कूलों में उनकी बच्चों का एडमिशन होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो 30-35 साल से हम जो काम कर रहे हैं शहर में एजुकेशन को लेके, उसमें आज ये बच्ची अगर स्टेज पे खड़ी है, कि बच्चे आज यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, ये सारे तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड है। मुस्लिम कम्युनिटी को जो इस तरह बताया जाता है कि अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, आज ये कम्युनिटी इससे बहुत ऊपर उठ।